असल दोस्तों वेलकम टू पॉडकास्टिंग मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है एक नाइजेरियन भाई जो कि पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं यहां आकर इनको दो शौक मिले एक कल्चरल शौक और एक थोड़ा गंदा शौक तो आइए इनके शौक के बारे में बात करते हैं असल सर कैसे है खूबसूरत दिलखश प्यारा जज्बे नजर थैंक यू सो मच सर मेरी तारीफ करने का बहुत शुक्रिया कुछ अपने बारे में भी बताइए बात कर यार देखो मेहमान हूँ तो, सर आप पिछले दस साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं कौन से मेहमान है यार तो क्या मैं अपने पैसा से गया हूँ मैं टैक्स पे करता हूँ मैं बिल पे करता हूँ क्या मसला है <laughs> सर आप तो गुस्सा कर गए आप, आप लिए कुछ ठंडा मंगवा अच्छा वैसे बताओ आज का नाम है क्या है आ, दाल बनी है दाल तो ठीक है लेकिन चिकन तो होना चाहिए या तो बिरया you know? बहुत जबरदस्त किस्म का मटन मतन में खतु लेकिन लाहौ में नहीं क्यूँ क्यूकी लाहौल आदत खराब कर देते कर है आदत खराब कर देता है एक दफा मैंने लाहौल का मोतन खाया था अच्छा पूरे हफ्ता में लाट मारती दरवाजा बंद करते <laughs> मुझे लगता है आपने कुछ और खा लिया एनी प्रोटीन तो प्रोटीन होता है चिल्ली बेट आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है मेरा नाम मेरा नाम अबियोला है एंड आई एम नॉट ए वायरस थैंक गॉड मुझे लगा कुछ ही बोला समथिंग आपने बोला अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान कैसे आए इजाज पे इजाज पे तो आए मतलब कैसे आना हुआ यहाँ पाकिस्तान के मुझे एक चीज़ समझने आते क्या मैं यूके जाते मैं यूएस जाते लोग लोग मुझे बोलते मैं मैं पाकिस्तान भी आते, पूछते क्यों क्यों आए हो? बड़ा है। मैंने लिखा हुआ था। आपसे आपसे पूछूंगा काट देता एक जल्दी। मेरा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप अकेले आए किसी के साथ आए थे आप अबा अच्छा। लेके आया था अच्छा लेकिन आब्बा गया किसके साथ मेरी जायदाद के साथ ओ oh, आपको डिच करा दिया आपके ऊपर उसके बाद फिर आपने क्या किया पाकिस्तान में इसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया ओके बहुत स्ट्रगल किया आपने कोई बिजनेस किया कि जॉब वॉब किया आपने मैंने जॉब शुरू किया था ओके okay. लेकिन उन्होंने मुझे निकाल दिया क्यों क्योंकि मैं वहां पे टाइम पे चला जाता था एचआर ने बोला होगा कि निकालो ये हमारे यहाँ का माहौल खराब कर रहा है अच्छा है एक बात बताएं कि 10 साल हो गए आपको पाकिस्तान में कैसा है आपको <laughs> वाला एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस क्यों खुल गया तो यहां, क्लारा पा जाएगा। ओ। नहीं, हम नहीं डालते यहाँ पे अच्छा चले वैसे बता दें कि आपको पाकिस्तान में सबसे अच्छा शहर कौन सा लगता है ना वहां में एक मैं अपने गाँव की तरह महसूस करता ओ एक कराची में अपने घर की तरह फील होता है वाई जब मैं कराची में था रिक्शा में बातें तो रिक्शा वाला मुझसे एड्रेस भी नहीं पूछते सीधा लिया लेके जाते थे ओह माय गॉड और मैं उसको बताता हूँ कि मैं नाइजीरियन हूँ वो कहते हैं अब चाल नीचे मकरानी पैसा दो और निकल जाओ Oh आप बकरानी डील करते थे। बिल्कुल <laughs> फिर मैंने थांगा कि मैंने वहीं पे फ्लैट ले लिया पे बहुत साल गुजारा <laughs> बहुत वे आपकी एज क्या well, छह साल का ओल्ड जी बिल्कुल कैसे छह साल पहले मैं लाहौर गया था आज oh, हाँ, इधर ही तक गया जब वेरी नाइस अच्छा द वे आपकी वहां पे फेवरेट जगह कौन सी यहाँ शाही किला के पीछे एक जगह है ना वहाँ मेरी फेवरेट जगह आई लव भी नहीं खाते वहाँ का <laughs> <laughs> फिर इस्लामाबाद कैसे आ हुआ आपका एक दफा मैंने एक लाहौरी से मीनाई पाकिस्तान की रास्ता पूछा अच्छा उसको फॉलो करते करते मैं इस्लामाबाद की मीनाई पाकिस्तान पहुंच गया था इस्लामाबाद का कौन सा मीनार है पाकिस्तान है सेंटोरस ओह सेंटोरस मॉल आप, आपने फिर एंजॉय किया सेंटोरस मॉल में उन्होंने मुझे ऑनडा ही नहीं जाने दिया व्हाई वो कहते मेरे पास फैमिली नहीं है मैंने फिर जवाब दिया कि आप मुझे ऑनडा जाने देंगे तो मैं फैमिली बनाऊंगा ना दैट्स अ गुड वन फिर फिर लम्बाई लड़ाई हुआ गार्ड के साथ आपकी लड़ाई हुआ दस हाँ बंदर मुझे अच्छा। तो पुलिस वाला से कहा था पुलिस वाला ने कहा कि तुम पे इल्जाम है तुमने सेंत पॉपुलेशन बनाने का डम के दिया <laughs> बता रहा था मैं फैमिली बनाने की बात करता कुछ गलत हो गई होगी मैं यही बोला था फिर मैंने आज जोगा माफी मांगी थी लेकिन पुलिस वाला के पास एक और सवाल था और कौन से सवाल वही सवाल पूछते हैं जो आप पाकिस्तानी पूछते हैं क्या कहता कि यहाँ क्यों आया हो फिर मैंने उसको सच सच बताया कि मैंने सुना है कि पाकिस्तान में बहुत पैसा है तो मैं पैसा कमाने आया हूँ फिर उसने पूछा आप कमेडियन हो मैं कहता हैं हाँ जी आपको कैसे पता है कहते आपके इस चौक से <laughs> <laughs> <a good> <laughs> तो परेशानी तो नहीं है लेकिन एक गिला है। जो भी मैं टैक्सी पे जाते होते कि जॉब करते भी शादी किया हुआ और तंग हो चुका हूँ मैंने ओ। अभी सीवी बनाया हुए और जब भी मैं आतेडफोन लगाते हैं और मैं सीवी हूँ हाथ में पका देते हैं टैक्सी वाले जी बिल्कुल

उतनी नाइजीरिया में है माशाल्लाह और इतने इंसाफ पाकिस्तान में है उतनी नाइजीरिया में है सिमिलरिटीज सिमिलरिटीज लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना हाँ ये जुबान के डिफरेंस डेफिनेटली <laughs> बाकी सब सेम है बिल्कुल सब सेम है एज अ ह्यूमन सब सेम ये मैं आपको बता दिया बिल्कुल सेम है आई डोंट थिंक सो बाय द वे ये आज हमारे साथ मौजूद थे एक नाइजीरियन ब्रदर जो कि अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा आपने पसंद किया होगा और इन भाई साहब का जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मजीद ऐसे के लिए हाँ, फॉलो कर हेलो हाँ जी जी मैं पांच मिनट में पहुंच रहा हूँ कोई मसला नहीं पांच मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं कह रही हूँ हाँ पहुंच जी बिल्कुल 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 हां ये को यार ट्रैफिक है ट्रैफिक साइड पे हो जाओ बस बस मैं पहुंच गया मैं पहुंच गया <laughs> लेकिन सर डीएचए को तो एक घंटा लग जाएगा यार तुम्हें तो तु पता है कि पाकिस्तान के 5 मिनट की एक घंटा होते हैं यार वेलकम टू पाकिस्तान गुड वेलकम टू